वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर राजस्थान की भजनलाल सरकार भी गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन में उतर आई है। भजनलाल सरकार ने गैंगस्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी शूटर रोहित राठौड़ के ठिकानों पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। नागौर के मकराना के गाँव जूसरी गाँव के रहने वाले रोहित राठौड़ का जयपुर के खातीपुरा इलाके में मकान है। राठौड़ ने वहां अवैध निर्माण करते हुए कब्जा कर रखा था। इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया गया है। बताया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हुए उसने इलाके में दहशत फैला रखी थी। प्लॉट के आसपास अवैध निर्माण करते हुए रोहित ने कब्जा कर रखा था। पुलिस को रोहित के द्वारा किए गए अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर को सूचित किया गया। तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद नगर निगम की टीम ने गुरुवार को बुलडोजर चलाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आरोपी रोहित के घर पर जब बुलडोजर चलाया गया, इसे अतिक्रमण बताया गया और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। रोहित भी इनमें से एक था और इसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है आरोपियों के घर पर, ठीक उसी तरीके से राजस्थान में भी यूपी के तर्ज पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान की ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोगामेडी हत्याकांड में शामिल रोहित आरोपी जिसके घर पर बुलडोजर चला। दीवार लगा रखी थी उस कार्रवाई के लिए जोन के जीएन ने डिमार्केशन किया कि अवैध अतिक्रमण है। उस आधार पर इस दीवार को तोड़ दिया गया और मलबे को हटा दिया गया। घर में कोई घर के लिए जोन जीएन अभी डिमार्केशन करेंगे भैया, रोड में है या नहीं है। अगर रोड में है वो डिमार्केशन करते हैं तो उसको भी अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। और राजस्थान में संगठित माफिया और गैंगस्टर पर लगाम कसने के लिए गठित की गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब फुल एक्शन में है। टास्क फोर्स ने पहली कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी बदमाश दिग्विजय सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। दिग्विजय कोटा का हिस्ट्री शीटर है और 5 साल से फरार चल रहा था। हिस्ट्री शीटर बिट्टू को जयपुर के करधनी थाना इलाके के नांगल जैसा बोहरा से गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर दिग्विजय सिंह उर्फ बिट्टू बेंगू चित्तौड़गढ़ में साल 2009 में हुए दोहरे हत्याकांड में 5 साल से फरार चल रहा था। हिस्ट्री शीटर दिग्विजय पर उदयपुर रेंज आईजी ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो 50,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से, जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को बिट्टू, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से कई मामलों को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साल 2009 में दोहरे हत्याकांड में वो शामिल था और पिछले 5 सालों से फरार चल रहा था।